पहले ये इतना बनानी था हाँ। तो पहले मैं तो नहीं आया था, मैंने वीडियोस फोटो में देखा ये अच्छा। इतना बनानी था टूटा हुआ खंडर था, ये पहले खंडर था। तो अभी बोल सकते सोच, एक्चुअली मैं सोचा नहीं था, नीचे तो देखा कि पहाड़ी है हां, क्योंकि पहाड़ के बैक साइड आप देखो ना ऊपर कुछ बना हुआ है। अब दर्शक ने सहारनपुर तो बंद, ये सहारनपुर से हमारे दर्शक हैं, ये हमारे व्यूअर हैं लगातार। मैं तो उठे जाना पाजी, उठे जाना का स्वाद आओ स्वाद। बड़का जी देखिए, बड़का जी पहले आने में इंटरेस्टेड नहीं थे हां, है ना, धीरे धीरे पांव बढ़ो, धीरे धीरे इन्होंने हिम्मत रखी। लेकिन जब वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है ही रेंडे की ब्लॉग्स में। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि जिन्होंने हमारे लास्ट ब्लॉग देखे होंगे उनको पता है कि हम मसूरी की ओर आए हैं। तो अभी जिन्होंने हमारे लास्ट ब्लॉग नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से हमारे ब्लॉग्स देख लेना और ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसे लगे। और मेनू कह रहे तू गाने सुनाएगा है, ओ भरावा गाने गवा गवा के संगा बिठा दिता जी ते गरीब। मैं कहा ताडे ते लगे पैग, मैं सो भी मैं किन्ने के गाने गा लूंगा। चलो जी आओ, कुणाल भाई पीछे रह गया बस। हाँ अभी हम गणित लगाने जा रहे हैं। असली गणित होने लगना है। हाँ जी उधर गणित लगा सी। सूरज देखो यार, देखिए बीच में कितना खाली ही बनाई हुई है। पानी पुनी आया होना इधर। वाह जी वाह, क्या मस्त लोकेशन है। लेजी स्कूल के आहो, मैं क्या जाके बंदे आगे बड़के इधर आ यार। पता नहीं आसमान तो रुक नहीं सकता, जमीन को रुक सकता है यार। वो चीज की है, वो है वही वही कह रहे हैं। ओते ओते गणित लाया सी, गणित तो ओते लगा। फिर चलो चलिए किथे, ओ राइट साइड तो उधर तो खराब हो जाते रहा। अरे नहीं जेले सो चले, आ गाल निकल गया मुंह तो हूं निकल गया। ओ किधर, ओ देख ओए ओ रब दी तो नीचे खड़े होने ही बचे, इन्हें पूरा कर लो। चलो आओ चलो यार, रुकी जागी तो ये तो तार लगी हुई है यार। यार मेरी गल सुनो, वो देखो उत्थे कुछ बनया भी है, मतलब कुछ ना कुछ हैगा, रास्ता भी हैगा, गणित हैगा, मतलब जा भरावा चाबी फड़ा दे कर दी। ओ भी मुंडे लगे देख बाऊ, ओए देख इधर फेल है सब कुछ, 0.5 ते लेना है ये फोटो, आगे सब कुछ फेल है। ये नीचे सामने सारी देहरादून सिटी है, थल्ले भी देखना किथे देहरादून दिखांदे आप। और वाह क्या मस्त है, भरावा कढ़ना औखा हुण। ओही वाली फोटो भी आओ फिर, आओ फिर आराम नाल, ये फोटो मन्नू वधिया लगी। तो अभी ये जो आप सामने देख रहे हो ये प्राइवेट हेलीपैड है, ये किसी का प्राइवेट है। ये है किसका मैम हेलीपैड प्राइवेट? ये तो दिल्ली से है कोई मनीष सैनी करके, के बिजनेसमैन होंगे कोई शायद। हां शायद। तो ये सारी यहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है, ये देख सकते हो आप। बाकी हम भी एवरेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे ही सुना है हमने कि वहां पे म्यूज़ियम का काम लगा हुआ है, तो म्यूज़ियम में भी नेक्स्ट ईयर तक वो टूरिस्ट के लिए ओपन होगा। तो हम भी जाके देखते हैं कि
कौन सा म्यूज़ियम बन रहा है। वैसे इस लोकेशन पे पहले मैं आ चुका हूँ, तो काफ़ी सुंदर लोकेशन है ये। अभी तो ग्रीनरी नहीं है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे काफ़ी डेवलप हो चुका है, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो काफ़ी टूटा हुआ था ये। तो वाह, छोटा सा स्टेडियम है। ये म्यूज़ियम बन रहा है अभी, तो मे बी नेक्स्ट ईयर तक ये टूरिस्ट के लिए ओपन होगा। तो ये छोटा सा यहाँ पे हाँ बड़के, कैसी लगी जगह? अब तो नहीं बोल सकते। मैं सोचा नहीं था, नीचे तो देखा कि पहाड़ी है। हाँ। बिकॉज ये पहाड़ के बैक साइड आप ये देखो ना, ऊपर कुछ बना हुआ है। हाँ। बैक साइड आके ऊपर लोकेशन बहुत अच्छी है, देखो इस साइड। हाँ। ये तो जब म्यूजियम ओपन हो जाएगा तो और अच्छा बन जाएगा। आप अपने रिव्यूज भी शेयर करिए यार, इधर आप दर्शक ले रहे हैं ये सहारनपुर से हमारे दर्शक हैं, ये हमारे व्यूअर हैं लगातार। मैं तो उठे जाना पाजी, उठे जाना तो स्वाद आओ। स्वाद थे वो चिट्टी चिट्टी बर्फीली पहाड़ी है यहाँ को, वो बर्फ वाली पहाड़ी पे लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने हाँ, इन्होंने ज्यादातर दारू के गिलास में स्नोफॉल देखी है। स्नोफॉल देखी है बिल्कुल। हाँ, अब असली स्नोफॉल भी हम इनको दिखाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ भाई बड़का जी, बड़का जी देखिए, बड़का जी पहले आने में इंटरेस्टेड नहीं थे। हाँ, है ना, फिर धीरे धीरे पांव बढ़ाए, तो धीरे धीरे इन्होंने हिम्मत रखी, लेकिन जब यहाँ पहुंचे अति सुंदर, अद्भुत, मजा आ गया। अरे भाइयों क्या नजारा है, देखा है क्या? कभी देखा है? इतने हाइट पे देखो, आना चाहिए, सीरियसली आना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा। ये म्यूजियम है शायद ना, पहले ये इतना बना नहीं था। हाँ। तो पहले मैं तो नहीं आया। हाँ। पर मैंने वीडियोस फोटो में देखा कि ये अच्छा, इतना बना नहीं था। हाँ, तो टूटा हुआ खंडर था ये पहले, खंडर था। तो अभी इन्होंने रेडी कर दिया, बना दिया सारा। तो अभी इन्होंने बोला कि न्यू ईयर तक ये खुल जाएगा। क्या खुलेगा? तो दोस्तों ये है वो म्यूजियम, ये है वो म्यूजियम। तो ये बाकी का पहले हाउस था यहाँ पे, तो वो यहीं पे रहते थे। तो ये काफी टूटा हुआ था पहले, जॉर्ज एवरेस्ट का हाउस था ये पहले, तो ये काफी टूटा हुआ था। तो अभी ये रिसेंटली इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे म्यूजियम बन रहा है। तो मे बी ये नेक्स्ट ईयर तक ये म्यूजियम ओपन होगा। और मुझे लगता है कि अभी तो FOC है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे लग रहा है जब म्यूजियम बन जाएगा तो थोड़ी बहुत ये टिकट रख लेंगे, क्योंकि इन्होंने जब खर्चा किया इतना तो ऑब्वियसली ना। बाकी सामने से भाइयों व्यू बहुत मस्त आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। ये देखिए, ये लॉन देखो कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और वो आप सामने देख पा रहे होने, वो देखिए, मतलब सामने फोन में कम विजिबल है, लेकिन यहाँ से पूरा ऐसे दिख रहा है। देखो वो मतलब पहाड़ियों पर पूरी बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी ये 900 मीटर का एक ट्रैक और है, वो बहुत पीक पे है, 900 मीटर का ट्रैक है ये। बाकी देखते हैं, अगर हमारे बंदे हिम्मत रखते हैं ऊपर जाने की, हमें तो हिम्मत है। तो बाकी देखो भाई, वो हम तो वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, है ना। धूप पड़ रही है यार बहुत सामने से, हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हमें तो हिम्मत है वहां जाने की, तो बाकी देखते हैं हमारे साथ वाले क्या बोलते हैं। हमारे वो साथ वाले, वो देखिए, एक्चुअली यहाँ पे फोन के सिग्नल भी नहीं है। यहाँ पे अभी हमारे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हमारी कॉल ना फोन चल रहा है ना कुछ। तो इनके थोड़े बहुत आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी सिम लेकर रखा है इन्होंने, तो इनके आ रहे हैं। तो ये अभी बात बूत कर रहे हैं, आपको पता सारे सप्लाई चेन के बंदे हैं हम। तो बाकी इस बार हम ग्रुप में आए हैं, तो मोस्टली मैं और रविंद्र भाई बाइक से ही या इसकी बुलेट से ही सफ़र करते थे, जो भी हमने लास्ट ट्रिप की है या जो भी हमने ब्लॉग बनाए हैं, तो बाइक से ही किए हैं। तो इस बार भाइयों का भी मन था कि हम भी जाएं आपके साथ, हम भी एंजॉय कर लेंगे। और तो एकदम अनप्लान ट्रिप था लास्ट, मतलब लास्ट मोमेंट पे, आपको आपको याद ही है, पुलिस वालों ने हमें पूछा तो हमने उनको बोल दिया कि ऐसे बोल दिया, मसूरी जा रहे हैं, मुंह से निकल गया था, मुंह से निकल गया। फिर हमने सोचा चलो निकल गया, निकल गया तो आप वहीं जाके आते, मुंह से निकल गया अब जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं, अगर आगे हमसे जाया गया तो हम आगे जरूर लेके जाएंगे आप लोगों को भी। तो ठीक है, मिलते हैं आगे वीडियो में।